नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत में सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन लोगों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए कि अब यहां पर नए कारखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण न केवल अन्नदाता किसान प्रभावित हुआ था, बल्कि सामान्य नागरिकों के जीवन पर असर पड़ा। गोरखपुर के विकास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर विपरीत असर पड़ा। रोजगार और नौकरी की संभावनाओं पर विराम लगा। अब यह सपना साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है। यह राष्ट्र को समर्पित होगा। लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन यहां से होगा। इसी प्रकार से यह खाद कारखाना केवल यहां पर किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन उपलब्ध कराने में, बल्कि ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। दूसरा, कभी बाढ़ और बीमारी के लिए जाना जाने वाला ये पूर्वी उत्तर प्रदेश मासूम बच्चे यहां असमय दम तोड़ते थे। सरकारों की संवेदना कभी उन गरीबों के प्रति, अभावग्रस्त उन लोगों के प्रति नहीं देखने को मिली थी।